उनके वजन से हम उस आयत को पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम उसका 23 अध्याय उसका 11 आयत, 23 का 11। रसूलवादी करते हो 23 का 11 आयत। उसे रात प्रभु ने उदय को खड़ो के कहा, हंसना रात क्यों, जो जिस तरह तै मेरिया गल्ला उत्ते यरूशलेम विच साखी दित्ती, उसे तरह तैनू रोम विच भी साखी देनी पवेगी। उसे रात प्रभु ने उसके पास खड़े होकर कहा, हे पौलुस ढानस बांध, क्योंकि जैसा तूने यरूशलेम में मेरी गवाही दी वैसे ही तुझे रोम में भी गवाही देनी होगी। और उसके जीवन में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का एक दर्शन है। उस दर्शन प्रभु यीशु मसीह ने उसे बातचीत कर रहे, बातचीत ये है, जैसे तुमने यरूशलेम में मेरा गवाह हुआ है वैसे तुम रोम में भी मेरा गवाह होना है। सिचुएशन को देखने के वक्त नहीं, आगे का एक दिन को देखने के लिए कोई उम्मीद पौलुस को नहीं था, क्योंकि मंदिर में उसको हम 22 अध्याय पढ़ने के वक्त, 21-22 अध्याय पढ़ने के वक्त में उधर हमने उसका बैकग्राउंड को देखते हैं, बैकग्राउंड देखने के वक्त में प्रोफेसर पौलुस ने मंदिर में चला गया, मंदिर में जाने के वक्त में उधर का लोगों ने इसको पकड़ लिया, पकड़ कर महायाजक के पास लेकर आया, महायाजक के पास लेकर आकर ये बोल रहे हैं ये व्यक्ति बहुत कुछ कर रहे हैं, तो इनको उनके सामने क्या उस दोष लगाने के वक्त में रसूल पौलुस ने खड़े होकर, और पहले ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, खड़े होकर ये बोल रहा है फरीसी और फरीसी, ये रसूल पौलुस एक फरीसी था, तो इसलिए उधर दो ग्रुप थे, वो ग्रुप दो ग्रुप में यहूदी में ही दो ग्रुप है, दो ग्रुप का एक का ये फरीसी है, फरीसी खड़े होकर बोला मैं तो फरीसी हूँ सदूकी नहीं है, मैं तो सदूकी नहीं है फरीसी हूँ, मैं मुझे कैसे ऐसे ऐसे कर सकता है। तुरंत उन्होंने ये किया, उन्होंने ज्यादा मतलब माहौल बहुत बिगड़ रहा है, बिगड़ते लोगों ने ये सोचा इसको मारना ही है, मारने के लिए लोगों ने बाहर इसको पकड़ रहा है, मार रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो सेना को ये पता चला माहौल बहुत बिगड़ जाएगा, इसलिए इनको जल्दी से जल्दी पकड़ कर गंदगी में रख लिया ताकि इसका जान को बच जाए। फिर भी लोगों ने इसके पीछे पड़ा हुआ है, उसको बाहर आना ही बहुत डेंजर है और अंदर रहना भी डेंजर है, क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि कुछ भी बात को किसी से भी सुनने के लिए मिल रहा है, केवल एक ही बात है, परमेश्वर पर उसका भरोसा है और जिनका सेवा रसूल पौलुस ने कर रहा है उसके ऊपर भरोसा रखा हुआ है, भरोसा रखकर ये व्यतिक्रम में रहने के वक्त में उधर प्रभु यीशु मसीह का दर्शन हुआ, प्रभु यीशु मसीह रसूल पौलुस से ये बात बोला। एक और बार पढ़ लीजिए, उसी रात प्रभु ने उसके पास खड़े होकर कहा, हे पौलुस ढानस बांध, क्योंकि जैसा तूने यरूशलेम में मेरी गवाही दी, यरूशलेम में मेरी गवाही तुमने दी है तो तुम्हारे घर में तुमने गवाही दिए, तो जहां तुमने पालन पोषण हुआ उधर तुमने गवाह दिए, तो जहां जहां तुझे अच्छा तरह जानते हैं उन लोगों के सामने तुम गवाह है, तो मेरे आज तो जितने लोग मुझे सुन रहे हैं हालेलुया, तुझे आगे भी परमेश्वर में इस्तेमाल करने के लिए चाहता है, आज भी बहुत कुछ समस्या तुम्हारे जीवन में आए तो भी हालेलुया, लोग हालेलुया तुम्हारे खिलाफ बोले तो भी, महायज्ञ जो विरोध करने वाले महायज्ञ कौन है, परमेश्वर का आराधना करने वाला व्यक्ति है, हालेलुया, दूसरे लोगों का आराधना करने के लिए प्रेरणा देने वाले व्यक्ति है, दूसरे के लिए अल्लाह करने वाले व्यक्ति है, उस व्यक्ति ही हालेलुया पौलुस के खिलाफ हो गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हमारे जीवन में हालेलुया कोई भी विरोध करे परमेश्वर हालेलुया हमारे सामने हालेलुया आएगा, आकर बोलेगा डरना नहीं। प्रेज द लॉर्ड,
डरना नहीं है क्योंकि तुझे आज तक हालेलुया संभाल कर रखने के लिए मेरे पास सामर्थ्य है, तो आगे भी वही सामर्थ्य के साथ तुझे मैं आगे चलाऊंगा। आमेन। हालेलुया। आशय के साथ आई हुई प्यारे आशीषों, आप लोगों से पवित्र आत्मा ने ये कह रहा है हालेलुया, डरना नहीं है, डरना नहीं है। पवित्र आत्मा हालेलुया जिस काम के लिए तुझे बुलाया उस काम के लिए तुझे लेकर जाना ही है, जिस दर्शन हालेलुया तुमको दिखाया उस दर्शन की पूर्ति के लिए तुझे लेकर जाना ही है। जिस हालेलुया भविष्यवाणी तुम्हारे जीवन में हुआ है वो जब तक पूर्ति नहीं होगा तब तक तुम्हारे ऊपर कोई भी आंख देखने के लिए नहीं होगा। रसूल पौलुस के जीवन में बहुत बार हालेलुया लोगों ने बहुत मारा कूटा। एक बार ऐसे भी हो गया, लोगों ने यह सोचा वो मर गया, रसूल पौलुस ने मर गया ऐसा सोचकर लोगों ने छोड़ दिया, चेलों ने चारों तरफ फैल दिया हालेलुया। उसके बाद उसको वो नगर से बाहर निकाल दिया। बाहर निकालने के बाद उसने अगले दिन उसने प्रचार करना शुरू किया हालेलुया। फिर आशीषों हमें परमेश्वर ने एक काम के लिए चुना है तो परमेश्वर उधर खड़ा कर देगा। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। हम पढ़ने के वक्त में इधर लिखा है जैसे यरूशलेम में तू मेरे गवाह हो वैसे रोम में भी करना है। रोम में जाने के वक्त में बहुत समस्या उसके जीवन में सामना करना पड़ा, एक छोटी बात नहीं है। परमेश्वर ने एक काम के लिए हमें चुना है हालेलुया। ये ना सोचे इसलिए हमको उधर पहुंच सकता है, इसलिए हमको उसको हासिल कर सकता है। नो नेवर हालेलुया। उसके बीच में हमको कई परीक्षा आएगा क्योंकि रिवार्ड भी ज्यादा है हालेलुया। उसका हालेलुया हमको मिलने वाला हालेलुया आदर भी बहुत ज्यादा है हमें हालेलुया। परमेश्वर में जितना जितना परीक्षा में हम आगे बढ़ेंगे उतना परमेश्वर हमें आश देने के लिए आदर करने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। इसराइली लोगों के बीच में आकर यहोवा परमेश्वर ने बोला कनान देश के लिए निकल जाओ कनान देश के लिए निकल जाओ। मूसा के साथ लोगों ने निकल गया। बीच में हालेलुया 40 साल था वो यहोवा परमेश्वर ने बताया नहीं थी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जो 40 साल है वो बताया नहीं था। पानी के लिए आप तरसेंगे वो नहीं बताया। हाले रोटी के लिए आप तरसेंगे वो नहीं बताया। हल मीति के लिए तरसेंगे वो नहीं बताया। परमेश्वर ने हाले यही बताया कनान देश में तुम्हारे लिए मैं रखा हुआ है उधर पहुंचाऊंगा मैं। बीच में जो कुछ है प्रयासों हम विश्वास के लिए निकला है हमारा हालेलुया परिवार को छोड़कर हमारे जिंदगी को छोड़कर सब कुछ छोड़कर हम निकला है तो वो व्यर्थ नहीं होना। हमारे बारे में परमेश्वर की योजना है, एक योजना है, एक प्री प्लान के साथ ही हमें बुलाया है निकाला है। 40 साल के बाद हालेलुया यहोवा हालेलुया भला है करके उन्होंने गीत गाया हालेलुया। उनको हालेलुया कनान देश अपनाने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया। हमारे जीवन में कई बार समस्या आता है, थकना नहीं है हालेलुया। रसूल पौलुस के जीवन में भी वही प्रॉब्लम वही बात हो गया। रसूल पौलुस ने बोला जैसे यरूशलेम में तुमने मेरा गवाह हुआ वैसे ही हालेलुया तुम रोम में भी जाना। रोम के और जाने के वक्त में रसूल अधिकारियों 27 और 28 हम दोनों पढ़ने के वक्त में रोम के और जाने के वक्त में जहाज नहीं हल जो कुछ समस्या आया उनको जीने के बारे में भी कोई उम्मीद नहीं था। 14 दिन रात उन्होंने सूरज को चंद्रमा को नहीं देखा हालेलुया। सूरज को चंद्रमा को नहीं देखा हालेलुया। उनके जहाज में जो कुछ चीज थे सब कुछ फेंक दिया, उनको उम्मीद भी नष्ट हो गया हालेलुया। उन्होंने दुख में निराशा में पड़ गया। तो यीशु मसीह का दूध ने आकर बोला हालेलुया डरना नहीं है, ये जहाज हालेलुया जहाज का हानि हो गया और इधर जितने लोग हैं वो सभी को मैं तेरे लिए दिया हूं हालेलुया। इसलिए रोम में तुम मेरा गवाह होना है। फिर आशीषो रास्ता में परिवार में काम में कई समस्या आए तो भी उम्मीद नहीं छोड़ना, डरना नहीं है। परमेश्वर हमारे लिए बड़े प्राण रखा हुआ है। Praise the Lord. Hallelujah. उम्मीद नहीं छोड़ना हालेलुया। हार गया है तो हाल गेम से आउट है।
जो व्यक्ति हार जाता है वो हालेलुया आगे उस गेम के लिए वो लायक नहीं है, आउट कर लेते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दुनियादारी है तो हमारा क्या है, विश्वास में हारना नहीं है, हारने वालों का परमेश्वर नहीं है। हालेलुया, जय देने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड, जय देने वाला परमेश्वर है। हारने हारने वाला नहीं, हराने वाला भी नहीं है हमारा परमेश्वर। यशायाह नबी की किताब उसका 54 का 17 54:17 हर हथियार जो तेरे विरुद्ध बनाया जावे निकम्मा होवेगा, हर जीव नू जो तेरे विरुद्ध न्याय लई उठे तू दोषी ठहरावेगी। जितना हत्या तेरे हानि के लिए बनाए तो भी हम ये विश्वास करना, मुझे प्रभु ने बनाया, आज का दिन प्रभु ने दिखाया, मैं हार नहीं मानना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम मैं हार नहीं मानना क्योंकि आज का दिन मेरे प्रभु ने मेरे को दिया है, मैं हार नहीं मानना। इधर क्या लिखा है, तेरे खिलाफ जितने हत्यार तेरे हानि के लिए बनाए जाए। देखो, तेरे हानि के लिए जितने भी हत्यार बनाए जाए, तेरा हानि के लिए कई हथियार है। सबसे तेज वाली हथियार है एटम बम नहीं है। हालेलुया, एटम बम नहीं है। सबसे ज्यादा हथियार AK-47 भी नहीं है, और सबसे बड़ा हथियार जो साइनेड है, हैं? तो बहुत बड़ा जहर है। साइनेड का टेस्ट आज तक किसी को पता नहीं है, साइनेड में नहीं है। सबसे बड़ा हथियार मैं मानता हूं वो है जीभ। हालेलुया, जीभ है वो बहुत बड़ा हथियार है। खरीदने की जरूरत नहीं है, वो अपने पास ही है। हथियार खरीदना पड़ता है और ये हमारे पास ही है। ये जीभ से एक व्यक्ति को खड़ा कर सकता है, एक व्यक्ति को मार सकता है। हालेलुया, यिर्मयाह नबी की किताब में पढ़ने के वक्त में आओ हम हमारे जीभ से उसको मार डाले। हालेलुया, कई लोगों का बोली ऐसे होते हैं हमारा दिल को ऐसे छेद कर दूसरे पास से निकल जाएगा, दूसरे को कुछ बोलेंगे। हालेलुया, हाँ, परमेश्वर के वाणी में क्या लिखा है, तेरे जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाए तो भी उनमें से कोई सफल ना होगा, कोई सफल नहीं होगा। जितने भी बना दे, जितने भी तुम्हारे खिलाफ झूठ बोले, कितने भी तुम्हारे खिलाफ झुकली निंदा कर दे, कितने भी तुम्हें हालेलुया बेइज्जती करे, कितने भी तुम्हारे खिलाफ बोले, कितने भी करे, परमेश्वर की वाणी ये हमको गारंटी देता है कोई भी सफल नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, कोई भी सफल नहीं होगा। आगे, और जितने लोग उदयी होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा, यहोवा के दासों का यही भाग होगा। सुनो, एक और बार ये पढ़ना, एक बात है जो जब जिनके जीवन में परमेश्वर का वायदा है, जिनके जीवन में परमेश्वर का वायदा है उनके खिलाफ हत्या बनाने बनाना, कितना ज्यादा वायदा हमारे जीवन में है, प्रोमिसेस है, उतना हमारे खिलाफ हो जाते हैं। मूसा जब पैदा हो गया, जब तक मूसा पैदा नहीं हुआ तब तक कोई कानून नहीं था, कोई कानून नहीं था। जब मूसा पैदा होने लगा एकदम कानून बदल गया। यहूदियों का
इब्रानी स्त्री यदि लड़का को पैदा करे तो उस बच्चा को नील नदी में फेंक देना। उसके भाई आहरण के समय में वो कानून नहीं था, उसके पहले कितने भी लोग थे कोई कानून नहीं था। शैतान को ये पता है ये मूसा परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होने वाला है, परमेश्वर उसको बहुत सारे से इस्तेमाल करेगा, इसलिए बचपन से ही मतलब शुरू से ही उसको खत्म करे। फिर आपके मेरे खिलाफ हालेलुया शैतान बहुत कुछ योजना बनाएगा। हालेलुया ये समझना चाहिए जितना हमारे ऊपर परमेश्वर का वायदा है उतना शैतान हमारे खिलाफ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। आपके खिलाफ कुछ भी नहीं हो रहा है, किसी का भी नहीं। हालेलुया हालेलुया। जो डॉक्टर का पढ़ाई हालेलुया 5 मिनट से पढ़ाई नहीं होते हैं, डॉक्टर का पढ़ाई हालेलुया 1 साल से नहीं होता है, 2 साल से नहीं होता है, 5 साल एमबीबीएस उसके बाद फिर एक्स्ट्रा करना पड़ता है स्पेशलिस्ट, फिर उसका आदर मिलता है। हालेलुया। जिस व्यक्ति ने नौवीं फेल हो गया उसको कितना आदर मिलेगा। वैसे परमेश्वर ने हमें हमारे ऊपर जितना परमेश्वर का प्रॉमिसेस है उतना शैतान हमारे खिलाफ हो जाएगा, हमें उस प्रॉमिस तक पहुंचाने के लिए नहीं देगा, हमें हटाएगा 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 हटाएगा, हमें हमारा आशीष हम लेने नहीं है लेना नहीं है। एक बात है मेरे आशीषो, एक बात समझना चाहिए हमारे लिए हालेलुया परमेश्वर की योजना महान है। आमेन आमेन। शैतान हमारे खिलाफ भी है। हालेलुया पढ़ो जी, कोई आयत पढ़ो जी। जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा। और एक हथियार सफल नहीं होगा, सबूत सफल नहीं होगा। बाइबल में एक बहुत बड़ा सबूत है, अपने बाप को बच्चों ने हालेलुया सबूत दिखाकर उसको धोखा दिया। जब समय आया परमेश्वर ने अपने आप उस धोखा को निकाल दिया। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। यूसुफ के ऊपर परमेश्वर का हालेलुया बुलाव था, परमेश्वर ने यूसुफ को बुलाया हालेलुया, परमेश्वर के काम के लिए अलग कर दूसरे में लेकर जाकर अपने के लिए दूसरे के लिए इस्तेमाल होने के लिए परमेश्वर ने चुना था। ये दर्शन को अपना भाई लोगों से बताने के वक्त में भाई लोगों के मन में वो गुस्सा आ गया। ये थोड़ी हमें ताले लिया इसके सामने हम थोड़ी मता देखना, नो नेवर, हम मता नहीं देखेंगे, उससे भी अच्छा इसको ही खत्म करेंगे। हालेलुया। हम अच्छा तो जानते हैं यूसुफ के जीवन के बारे में, यूसुफ का कपड़ा को उतार कर उसका बाप ने हालेलुया उसका स्पेशली बना कर दिया हुआ कपड़ा को उतार कर उसमें जानवर के खून लगाकर उन्होंने सबूत दिखाया। सबूत ये है तेरा बेटा हमारे भाई को जंगली जानवर पकड़कर चला गया, खा लिया और एक कपड़ा हमको मिला है। सबूत दिखाया, सबूत, वो सबूत हालेलुया जब समय आ गया हालेलुया वो सबूत फेल हो गया। उसके जीवन में भी सेकंड सबूत हालेलुया सेकंड एविडेंस एविडेंस वो एविडेंस ये है पोतीफर के घरवाली कपड़ा लेकर रखी है, देखो जी क्या हो गया। जिस यहूदी को आपने मेरे पास छोड़कर गया, घर को संभालने के लिए छोड़कर गया, उस लड़का ने मेरे पास आया गलत काम करने के लिए, मैं तो खाले लिया उठ चुकी। देखो वो कपड़ा सबूत, आपके खिलाफ हालेलुया कोई भी सबूत ढूंढे कोई भी सबूत दिखाए हालेलुया समय आएगा वो सबूत ही आपको उठाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पोतीफर के वजह से हालेलुया बंदी गृह में जाना पड़ा यूसुफ को, हालेलुया उधर से ही डायरेक्ट हालेलुया अपॉइंटमेंट कहा राजा के महल में। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं तो जिंदगी भर वो
हालेलुया पोती पर के घर में हालेलुया उधर रहना था उधर रहना था उधर रहना था। शत्रु हमारे लिए बुराई के लिए करता है, परमेश्वर हमारे लिए भलाई के लिए करता है। आमेन आमेन हालेलुया। शत्रु हमारा बुराई के लिए करेगा, हमारा नष्ट के लिए करेगा, नाश के लिए करेगा, दुख के लिए करेगा, हालेलुया निराशा के लिए करेगा, हालेलुया परमेश्वर वो हमारे भलाई के लिए करेगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। शत्रु कितना भी सबूत लेकर आए, कितना भी सबूत लेकर आवे हमारे खिलाफ, हालेलुया कितना भी सबूत लेकर आवे हालेलुया, हमारा उठना बैठना अच्छा तरह जानने वाला परमेश्वर हमारे लिए भला करेगा। आमेन हालेलुया। हमारे भर में सबसे भी बढ़कर हालेलुया फिक्र है हमारे परमेश्वर को, क्योंकि उसका प्लान हमारे जीवन में पूर्ति होना है, पूर्ति होना है। एक है हालेलुया, क्या है? तेरे खिलाफ कोई भी हत्या बनाए सफल नहीं होगा। क्यों क्यों सफल नहीं होगा? तुम्हारे ऊपर एक अभिषेक है, तुझे बुलाया हुआ हालेलुया परमेश्वर, हालेलुया जीवन परमेश्वर है, वो देखता है तेरे खिलाफ क्या हो रहा है। आमेन आमेन। ये ना सोचे कोई नहीं देख रहे हैं, नो परमेश्वर देख रहा है, हालेलुया परमेश्वर देख रहा है तुम्हारे खिलाफ क्या हो रहा है, परमेश्वर देख रहा है। समय आएगा हालेलुया, समय आएगा। आपको पता है मैं ये विश्वास करता हूं, जब जोसफ महल में राजा के महल में अच्छा पदवी में बैठ गया, सारे आनंद हो गया, यहूदी लोगों को आनंद है क्योंकि वो यहूदी है, मुस्लिम लोगों को भी खुश है क्योंकि इसलिए है अकाल पड़ने के वक्त में इसका दर्शन के वजह से हमने बच गया, इसलिए ये अच्छा बंदा है, हमारे लिए भले काम करने वाला है। एक ही व्यक्ति डरती, एक व्यक्ति बहुत डरती थी, यूसुफ के नाम सुनकर ही डरती थी। कौन है? पोतीपर के घरवाली। पोतीपर के घरवाली को इतना डर पैदा हो गया होगा, इतना डर पैदा हो गया होगा क्योंकि मैंने झूठ बोला, मैंने झूठ बोला उस दिन। हालेलुया कोई भी उधर सबूत नहीं है, कोई भी देखा नहीं है, केवल हालेलुया यूसुफ और पोतीपर का घरवाली दोनों है, पोतीपर का हालेलुया वाइफ और यूसुफ है, और कोई तेज पैसन नहीं है उधर विटनेस के लिए, कोई भी विटनेस नहीं है। हालेलुया उसने अपना वेल सॉरी अपना हालेलुया पावर है, अधिकार में जो पावर है, पावर के जरिए उसने जीत लिया। पोतीपर का जो भाई क्या बोली, बस वही सही। पोतीपर का वाइफ को यह पता है मैं झूठ बोल रही हूं। हालेलुया। अभी राजा का महल में यूसुफ आ गया और पोतीपर उसके नीचे चला गया। अभी डर, सबसे ज्यादा डर पोतीपर का वाइफ को है। फिर हम सोचने से भी ज्यादा टेंशन होया, जब तक जिंदा है मैं सोचता हूं, जब तक जिंदा है तब तक उसको टेंशन ही टेंशन, क्योंकि मैं झूठ बोला है, मैं झूठ बोला है। मेरे हस्बैंड को पता चले तो, राजा को पता चले तो, क्योंकि हमारे देश को बचाने वाला एक व्यक्ति है, उसके खिलाफ नहीं मैंने किया। हालेलुया। कोई हथियार को, लोग क्या करेगा तुम्हारे खिलाफ? जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना हो। कोई सफल नहीं होगा, कोई सफल नहीं होगा। डर है उसको पता ही है, वो झूठ है। क्या करे क्या करे? पहले आशीष और हालेलुया जय देने वाला परमेश्वर जीत ले। और आगे क्या करेगा? और जितने लोग मुद्दे होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों को से तो जीत जाए। कितने लोग तुम्हारे खिलाफ बोले, तुमने वो बोला, तुमने ये किया है, तुमने ये किया है। शैतान कितने जोर से करे हालेलुया, क्या हो जाएगा? तू जीत जाएगा। कौन कौन जीत जाएगा? मैं। आप बोले कौन मिलकर बोलती है? क्यों
देने वाला नहीं है, सच के साथ साथ देने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और आगे यहोवा के दासों का ये भाग होगा। यहोवा का दास का ये हिस्सा है, भाग है, उसका भाग है, क्योंकि परमेश्वर में छोड़ेगा नहीं है। हमको लगेगा थोड़ा समय के लिए दुख, हमको लगेगा थोड़ा समय के लिए परेशानी, हमको लगेगा थोड़ा समय के लिए अकेलापन, परमेश्वर हालेलुया जय देगा। इसलिए पौलुस से हालेलुया दर्शन देगा, तुम भयभीत नहीं होना, तुम डरना नहीं है, जैसे जेरूसलेम में मेरे लिए तुमने गवाह हुआ है, जैसे पिछले दिनों में मेरे लिए तुमने गवाह हुआ है, जैसे पिछले दिनों में मेरे लिए तुम इस्तेमाल हुआ है, वैसे ही हालेलुया तुझे मैं करने के लिए चाहता हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कहां? और रोम में। रोम कहां है? राजा का नगरी है। आमेन। रोम राजा का नगरी है, हालेलुया, जहां राजा वास करता है, उधर तुझे इस्तेमाल करने के लिए चाहता हूं। हालेलुया। जहां बड़े लोग हैं उनके बीच में इस्तेमाल करने के लिए चाहता हूं, जहां अधिकारी लोग हैं उधर तुझे इस्तेमाल करने के लिए चाहता हूं, जहां हालेलुया न्याय करता है उधर इस्तेमाल करने के लिए चाहता हूं। हालेलुया। तेरे आंसुओं हम टेंशन नहीं, हम डरना नहीं है, हालेलुया, क्योंकि मेरा परमेश्वर का वाणी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। केवल इतना नहीं है, केवल इतना नहीं है, व्यवस्था वजन ड्यूट्रोनम व्यवस्था साल उसका 28 का साल, केवल इतना नहीं है, व्यवस्था वजन 28 का साल। यहोवा तुहाडे बैरिया नु जेडे तुहाडे विरुद्ध उठदे हन तुहाडे अगो मरवा सुटेगा, एक रात आनी वो आन के पर सत राही हो के तुहाडे अगो नठन के। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु को जो तुझ पर चिराए करेंगे वह तुझसे हार जाएंगे, वह एक मार्ग से तुझ पर चिराए करेंगे परंतु वो तेरे सामने से सात मार्ग से होकर भाग जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तुमने ये सोचेगा तुम कमजोर है, तुम अकेला है, कोई पूछने वाला कोई है ही नहीं, तुम निकम्मा है, और तुम तो कुछ कुछ मतलब भी नहीं है तुम्हारा, तुम्हारे ऊपर चढ़ाई तो करेंगे। ये ना सोचे हम परमेश्वर के लोग हैं, हमारे ऊपर कोई चढ़ाई नहीं करेगा, हमारे खिलाफ कोई कुछ नहीं बोलेगा, सब कुछ होता है, सब कुछ होना ही है। हालेलुया, सब कुछ होना ही है, चढ़ाई करना ही करना। ये ना सोचे जो कोई कुछ ना बोले, कोई भी मेरे ऊपर ना देखे, कोई कुछ ना, फिर तो परीक्षा आनी है ना, परीक्षा है ही है, चढ़ाई करना। जब हम जॉब में करने के वक्त में कोई ना कोई हमारे खिलाफ हो जाता है, घर में रहने के वक्त में कोई ना कोई हो जाता है, हम हमारे पड़ोसी रिश्तेदार कोई ना कोई हो जाता है, चढ़ाई तो करेगा। हाँ, आगे बढ़कर देखना, चढ़ाई करेंगे तुझसे हार जाएंगे, वे एक बार से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से सात मार्ग से होकर भाग जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। अब जो जब ना हम चुहा जहां चुहा है, ठीक है, हम अंदर जाने का चुहा क्या करते हैं, मैंने सामने आकर बोलते हैं सर I'm ready sir, मैं प्रसन्न हूँ, ऐसे बोलते हैं, एकदम भाग जाता है, जहां जहां रास्ता मिलेगा उस वजह से, खास कर नया चूहा, जो नया चूहा हमारे कमरे के अंदर आता है उसको रास्ता पता नहीं चलता है, उसको रास्ता पता नहीं चलता है, कई बार बेड के ऊपर चढ़ जाते हैं, कई बार दीवार के बीच में से टक्कर मारते, मतलब उसको जान बचाना है। हालेलुया, उसको जान बचाना है। कई बार कई लोग हमारे खिलाफ बोलते हैं, उन्होंने नहीं वो नहीं, क्या कुछ बोलते हैं, उनको खुद भी पता नहीं। सात रास्ते से, हालेलुया। एक और बात,
हारने के बाद ही भागना। ले लिया, हारना है तो क्या होता है, लड़ाई तो होते होते हैं, हारना है तो लड़ाई तो होते होते हैं, तभी हमको एक कॉम्पिटिशन नहीं है तो हार गया मतलब जीत गया कैसे पता चल जाएगा, एक टेस्ट नहीं है तो हम पास हो गए फेल हो गए कैसे पता चल जाएगा। इसलिए वो हार जाएंगे, हारने के बाद क्या हो जाता है, एक बात से दुश्मन तो मतलब एक व्यक्ति नहीं है, मतलब हालेलुया एक व्यक्ति नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, इसलिए साफ रास्ते से निकलना पड़ता है ना, क्योंकि तुम्हारे सामने खड़े होना उनके लिए मुश्किल है, उन्होंने जल्दी से जल्दी निकल जाएगा, जल्दी से जल्दी निकल जाएगा। पहले आसो हमारे जीवन में परमेश्वर ने महान काम करेगा, तुझे जैसे हाले लिया यरूशलेम में इस्तेमाल किया वैसे हाले लिया रोम में भी इस्तेमाल करने के लिए परमेश्वर का योजना है। हम अपने आप परमेश्वर के मंदिर में समर्पण करें, हाले लिया प्रभु जी, क्यों ये परीक्षा मेरे जीवन में इस दिनों में आ रहा है, परमेश्वर ने बोलेगा बेटा हाले लिया ये परीक्षा तुझे शक्ति देने के लिए, सामर्थ्य देने के लिए, हिम्मत देने के लिए, आई सभी आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करें, परमेश्वर के संग में हम प्रार्थना करें, हालेलुया जैसे इस हालेलुया तुझे यरूशलेम में मैंने इस्तेमाल किया, क्योंकि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह ने शाऊल को दमास्कस के हालेलुया फाटक के बीच फाटक में उसको बुलाया, बुलाकर हालेलुया अपने सेवा के लिए नियुक्त किया है, परमेश्वर ने उसको बुलाया तो परमेश्वर की योजना भी होगा, परमेश्वर की योजना होगा। योजना ये है केवल एक छोटे जगह में करने के लिए नहीं है, हालेलुया सारे जगह में आपको इस्तेमाल करने के लिए, आपके जीवन में तरक्की देने के लिए परमेश्वर की योजना है। हालेलुया जो लोग आपके खिलाफ हैं, जो लोग आपके हालेलुया लड़ाई करेंगे आपके खिलाफ बोलेंगे हालेलुया, उन लोगों आप उनके ऊपर दोष लगाएंगे। हालेलुया हालेलुया परमेश्वर के दासों का हालेलुया ये हिस्सा है, वो उनका अधिकार है, उनका हक है। दुख में आए हैं, परमेश्वर का एक योजना है तुम्हारे जीवन में। हालेलुया यूसुफ को आग किए हुए परमेश्वर आज भी जिंदा है। हालेलुया हालेलुया सबूत दिखाकर बहुत कुछ उन्होंने किया होगा, हालेलुया बहुत कुछ किया होगा, समय आने पर हालेलुया अपने आप तुम्हारे सामने डरेंगे, तुम्हारे सामने डरेंगे, क्योंकि हालेलुया उनको खुद पता है जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ वो झूठ है। हालेलुया घर में हो, जॉब में हो, रिश्तेदारों के बीच में हो, जहां जहां है हालेलुया आपके जीवन में समस्या है, हालेलुया परमेश्वर बोल रहा है तुझे और इस्तेमाल करने के लिए, और बल देने के लिए, शक्ति देने के लिए, ताकत देने के लिए प्रभु का इच्छा है। हालेलुया प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हालेलुया मैं क्यों डरा, मैं फिर क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरी आवाज़ है, मैं फिर क्यों डरा, मैं फिर क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे साथ है।
परमेश्वर के पास। आप अकेले नहीं है, जीवित परमेश्वर के साथ है। उसके योजना आपके लिए, आप अकेले नहीं है। जो कुछ आपके जीवन में हो रहा है परमेश्वर सब कुछ देखता है। पौलुस से बोल रहे हैं, हे पौलुस, ईश्वर में तुम्हारे जीवन में बहुत कष्ट क्लेश दुख आया, तुमने हालेलुया ऐसे दिन को देखा है, भूखे रहा, अकेला, बीमार पड़ा, परमेश्वर की योजना है। ये हालेलुया तुम सोच रहे हैं इसको बदल दे, प्रभु जी बदल दे, परमेश्वर बोल रहे हैं ये तो चलते रहेगा, रोम में तुझे आदर करना चाहता हूं, राजा के सामने, महाराजा के सामने आदर करने के लिए चाहता हूं। परमेश्वर के धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए, आपने हमसे बातचीत किया, तेरे वचन पिता परमेश्वर आकाश पृथ्वी ढल जाएगा, तेरे वचन कभी नहीं ढल, धन्यवाद करते हैं आपने हमसे बातचीत किया। जिस दुख से परेशानी से मैंने तेरे हजूरी में आया, आपने मुझसे बातचीत किया, धन्यवाद करते हैं पिता सारे तेरे प्रेम के लिए। इस दुनिया में सारे मुझे छोड़े तो भी प्रभु तू प्यार करने वाला परमेश्वर है, सीने लगाकर मुझे हालेलुया शांति देने वाले परमेश्वर, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं यीशु मसीह।